आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। उन्होंने देश के लिए दिया किया सब तो कांग्रेस की देन है। आप ये बोलिए कि रजत और कांग्रेस में बिहार को क्या दिया। अगर हम इतिहास उठा के देख लें, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, सारी चीज दी हुई कांग्रेस की है। लेकिन जो ये मोदी सरकार है, हमेशा युवाओं को बोलती है कि हम आपको रोजगार देंगे। रोजगार तो छोड़ दीजिए, वो तो गरीब के पेट में भी लात मारती है। वो कहते हैं चाइना हमें, हमारा ये हो गया, हमारा कंट्रोल हो गया। अरे अभी जाके तो देखिए क्या कंडीशन है। फिंगर वन फिंगर टू में चाइना पूरे अपने अच्छे से अस्थाई बना के और वो अपना कब्जा कर चुकी है। किस चीज की आप बात कर? क्या राम मंदिर बनने से अगर युवा को रोजगार मिल जाता है तो हम उसका समर्थन जरूर करेंगे। राम के नाम को बेचने का काम बंद करें मोदी। उन्होंने राम के नाम को बेचकर वोट लिया, ना कि काम के नाम पे। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे थे और उन्होंने ऐसा कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, तबाही दिया। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बातचीत करेंगे कि राजद और कांग्रेस ने बिहार को क्या दिया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस ने सिर्फ पलायन दिया, तबाही दी है बिहार को। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी तो सिर्फ कहते ही हैं और 2014 से लगातार कह ही रहे हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। और कांग्रेस और राजद 17 महीने के सरकार में सिद्ध कर चुकी है कि वो क्या दी है, पलायन दी है या रोजगार दी है। आज बिहार का हर एक युवा इस चीज़ से आश्वस्त है कि वो राजद और कांग्रेस का सरकार जो था, उस सरकार में उसको कितना नौकरी और रोजगार मिला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोजगार की बात करें पर पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि जो भी रोजगार मिला वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है, क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार इस राज्य के 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है और 20 में भी मुख्यमंत्री बने थे। तो अगर नीतीश कुमार को रोजगार देना ही था तो 2020 में ही दे देते जैसे ही मुख्यमंत्री बने। तो क्यों तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये आया चीज? ये तो तेजस्वी यादव का और कांग्रेस का ये स्कीम था कि रोजगार देना है। और आज भी हमारा जहाँ जहाँ जिन राज्यों में हमारा सरकार है वहाँ हम लोग लगातार रोजगार दे रहे हैं, महंगाई से लोगों को राहत दे रहे हैं। हिमाचल हो, कर्नाटक हो, हर जगह 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बेहतर शिक्षा की तरफ हम लोग हमेशा अग्रसर है। लेकिन अभी देखिए जैसे ही यहाँ से सरकार हटी है, कांग्रेस और राजद को सरकार से बाहर आई है, फिर बिहार का हाल देखिए क्या हो गया है। तुरंत अभी पेपर लिख यहीं बिहार से हो गया है तो पूरा देश जिससे त्राहिमाम हो गया। इतना बड़ा एग्जाम जिससे डॉक्टर लोग जाके स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, नीट का एग्जाम डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है, वही जब चोरी से डॉक्टर बनेगा वो क्या भगवान बनेगा? बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। राजद और कांग्रेस ने बिहार को क्या दिया? आप ये बोलिए कि राजद और कांग्रेस ने बिहार को क्या दिया। अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो हमारे कांग्रेस की बात, अगर हिस्ट्री की बात करें, बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, सारी चीज़ दी हुई कांग्रेस की है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमें कांग्रेसी है क्योंकि आरजेडी और जहाँ तक की बात है कांग्रेस की, हमेशा से विकास के लिए काम करते आ रही है और हमेशा विकास कर रही है। आप अभी का देख ले, हाल ही का देख ले, हम खुद उस एग्ज़ाम को दिए हैं अभी जो 1275 पोस्ट दरोगा का आया है। अभी शिक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बहालियाँ हुई हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रोज़गार जिनको मिला है, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी कि रोज़गार मिलेगा, ये सब आज किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? कांग्रेस और रजत की वजह से। लेकिन जो ये मोदी सरकार है, हमेशा युवाओं को बोलती है कि हम आपको रोज़गार देंगे। रोज़गार तो छोड़ दीजिए, वो तो गरीब के पेट में भी लात मारती है। कौन दही पर टैक्स लगाता है? कौन आपको मक्के पर टैक्स लगाता है, गेहूँ पर टैक्स लगाता है? उस इंसान से उस क्या उम्मीद की जाती है? वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी और रजत जो है हमेशा से इन अन्याय के खिलाफ खड़ी उतरी है और हमेशा महिलाओं के सम्मान में रही है। मोदी तो नहीं मान रहे ना ऐसा, मोदी ने किसे पलायन दिया, तबाही दिया। मोदी जी नाम माने से देखिए, वो पहला बात है, वो एक चीज होता है ना कि वो दिखावटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स को जो जब हुआ था, ब्रिक्स का जो वो अटेंड करके आए थे, जो सब यूनाइटेड नेशंस सब का नेशंस का जो हुआ था, उस ब्रिक्स में हमें मिला क्या था? वो कहते हैं चाइना हमें, हमारा ये हो गया, हमारा कंट्रोल हो गया। अरे अभी जाके तो देखिए क्या कंडीशन है। फिंगर वन फिंगर टू में चाइना पूरे अपने अच्छे से अस्थाई बना के और वो अपना कब्जा कर चुकी है। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? आप
इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहे हैं, कुछ भी आपका अच्छा नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। क्या राम मंदिर बनने से अगर युवा को रोजगार मिल जाता है तो हम उसका समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन ये राम मंदिर सिर्फ एक एजेंडा है, इनको सिर्फ कम्युनलिज्म खेलना आता है हिंदू मुस्लिम करके और सत्ता में बैठना था। लेकिन इस बार युवा जो है वो जागरूक हो चुकी है और इस बार देख के वो बता रही है कि कभी भी अब हिंदू मुस्लिम का उनका नहीं चलने वाला है। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा हमारा रोजगार है, हमारे महिलाओं के लिए पेंशन मिलेगा, 1 लाख पर ईयर मिलेगा, गैस सस्ती की जाएगी। अगर कांग्रेस और राजद आती है इतना उम्मीद करके देखिए कि देश का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है और सारे जो जितने भी युवा हैं वो सारे संतुष्ट हो जाएंगे उनसे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी लगता है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट देना वोट की बर्बादी होगी। इंडिया सर आएगी नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और मोदी तो कह रहे हैं वोट की बर्बादी है वोट। अरे मोदी तो बहुत कुछ कहते हैं, बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, बोलने से थोड़ी होता है, करके दिखाना पड़ता है। जो अभी इंडिया गठबंधन ने कर तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ नहीं मुमकिन है, सिर्फ वो राजा है और सिर्फ उन्हीं का फायदा है, जनता का कोई फायदा ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास, कहाँ पे विकास है? अगर 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं, अगर विकास हुआ है सबका साथ सबका विकास ये कह रहे हैं, हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो एक आप ही बता दीजिए हमको, कुछ भी नहीं हुआ, क्या बोल रहे थे? सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, जो उनके साथ है उनका विकास हो रहा है। पता है आपको, उनके दोस्त हैं फेवरेट, अडानी नाम है उसका, आप जानते हो उसको, उसका विकास हो रहा है तगड़ा। जनता का क्या फायदा हुआ 10 सालों में? 10 साल का फायदा हुआ ना, पहले मैं 545 में गैस खरीदते थे, अभी आज के टाइम में 1000 समथिंग में खरीदते हैं, फायदा मेरा। पहले मेरे घर में 2 लोगों को नौकरी लगा था, अभी टाइम में हमको नौकरी नहीं लग रहा, वो भी फायदा है मेरा। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था, पूरा नहीं हुआ। पता है अभी इस इलेक्शन में मोदी जी का 5 फेवरेट वर्ब क्या है? पाकिस्तान, गाय, हिंदू, अडानी, राहुल गांधी, बस 5 फेवरेट वर्ड। आप जाकर उठा लीजिए अभी 5 को भाषण उनका, 5 फेवरेट वर्ड उनका ये है। जो आदमी काम करता होगा वो काम गिनाता, वही जाके नहीं कह, वो जाके नहीं कहतन कि राहुल गांधी, ये नहीं कहतन गाय, ये नहीं कहतन मंदिर। रो भी रहे थे, भावुक हो गए थे मोदी, देखे वीडियो आप? पहली बार देखे हैं क्या उसको रोते हुए? इस चुनाव में पहली बार ही था, इस चुनाव में पहला बार था। तो देखो पहले 400 का बात था, तो 400 से चला गया 100 पे, तो थोड़ा रोना बोटे एक्टिंग जरूरी है बहुत। क्या नाम? प्रशांत बनर्जी। क्या लग रहा है फिर से मोदी की सरकार बनेगी? किसी हालत पे नहीं। बिहार में क्या होगा, 40 में से कितनी सीटें आएगी एनडीए को? एनडीए को 2 सीट आ जाए काफी है। पर मोदी जी तो बोलेंगे 40 में 40, पिछली बार 1 रह गया था, वो भी इस बार पूरा उनका उनके मोदी जी के द्वारा कहा हुआ, ऐसा कौन सा बात सच हुआ? हर बात सच नहीं, हर बात तो जुमले साबित हुए हैं, ये भी जुमले साबित होंगे, आप देख लीजिएगा। अगर ईवीएम घोटाला ना करे, युवा जाग चुके हैं, बेरोजगारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस देश में, सारे युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, उनके कहने से थोड़ी देर चलता है, युवा जाग चुका है। किसी हालत पे किसी कीमत इस बार मोदी की सरकार नहीं बनने वाली, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सारे गलत काम करते हैं उनके लोग, आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, उन्होंने देश के लिए दिया किया, सब तो कांग्रेस की देन है। राजद कांग्रेस ने क्या दिया अभी? राजद कांग्रेस ने अभी नौकरी दिया 17 महीने कार्यकाल को, आप देखिए तेजस्वी यादव की सरकार को देखिए, पलायन नहीं दिया। क्या दिया? पलायन। मोदी जी बोल रहे कि राजद कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, तबाही दी। ये उनकी सोच है, उनको जनता ऐसा नहीं सोचती है। जनता ऐसा नहीं सोचती है, जनता हम लोग के साथ है, आप देख रही है, जहाँ जाइएगा वहाँ हम लोग के साथ मिलेंगे, हर तबके हर गली में। मोदी जी जब रोड पे आए तो उसमें लाखों के खर्च कर दिए, बाकी दिन सड़क और लालिया उसे पड़े रहते हैं। अभी जाके देखिए रोड के हाल, और जब मोदी जाए तब दोनों को कंपेयर कीजिए कि मोदी जी जो करते हैं वो दिखावे की काम करते हैं। जनता चाहती है जिस तरह से मोदी जी आए थे वैसा रोड था, बना था उनके लिए, वैसा रोड वैसी लाइट पूरे शहर पूरे पटना में पूरे पटना सिटी में बना रहे लगातार, लोगों को गुमराह करने का काम ना करें मोदी जी। इस बार जनता जाग चुकी है, राम के नाम को बेचने का काम बंद करें मोदी, उन्होंने राम के नाम को बेचकर वोट लिया, ना कि काम के नाम पे। चलिए बिहार के युवाओं के बीच थे, युवा लोग क्या सोचते सुना आपने, बाकी आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, राजद और कांग्रेस ने बिहार को क्या दिया है, और मोदी जी जो एनडीए की सरकार है 10 सालों से यहाँ पे, और बिहार से 40 में 39 सीट मिला था एनडीए को, तो एनडीए के सांसदों ने बिहार को क्या दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।